वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एचडीआर ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आज आप लोगों को अपने रोहतास जिला के खूबसूरती, जो खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है, और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का कैसा माहौल रहता है। चारों तरफ पहाड़, झरना, और चार देख रहे हैं पीछे में भी देख रहे होंगे, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा हुआ। अब आ गए हैं रोहतास जिला में, अब आपको और सासाराम के पास ही एक माझा कुंड है, जा रहे हैं पहले वहाँ पर और दिखाते हैं। बहुत सारा यहाँ पर घूमने लायक जगह है जो बरसात के समय में घूमने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे पहाड़ हुआ उसमें को मिल गया होगा, और इससे बहुत सारी यहाँ खूबसूरती है जहाँ घूम सकते हैं रोहतास जिला में। अब यह सारे चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ है तो घूमने का अलग ही मज़ा आएगा। दिखाते हैं आप लोगों को, अब शायद माझा कुंड जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। एक वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे साथ घूमने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, देखें पीछे अनीस है, गोल्डन है, और एक दो लोग हैं भाई, तो दिखाते हैं आपको आगे, वीडियो में बने रहिएगा। और ये लोग हैं, रास्ते में भूल गए थे, बड़ी खोज के लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से पहली बार आ रहे हैं माझा कुंड घूमने के लिए। हेलो। तो फाइनली हम लोग दोस्त पहुंच गए हैं माझा कुंड, अब आप लोगों को दिखाते हैं। पीछे देखा होगा, पीछे जो लोग नहा रहे हैं इधर, अब बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको। और आपको भीड़ बहुत काफ़ी है यार, मज़ा तो आएगा अभी घूमने में, लेकिन आगे नहीं जा पा रहे अभी, भीड़ काफ़ी है, थोड़ा भीड़ खाली होता है तो हम आगे निकलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं फिर। इस समय देखिए पूरा विकास हो गया इसका, तो यहाँ सैड रोड बन गया पूरा, पिछले बार आए थे तो एक बार तो सैड नहीं बना हुआ था। और यहाँ पर देखिए लोग नहा रहे हैं, स्पेशली यहाँ लोग नहाने के लिए और घूमने फिरने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। पूरा खाने वाने का देखिए चारों तरफ लोग बैठ बैठ के अपना खाना बना रहे हैं, और कोई कुछ कर रहा है, कोई लोग नहा रहे हैं, कोई बैठ के यहाँ पर प्रकृति का इंजॉय कर रहा है। और देखते हो यहाँ भीड़ कितनी काफ़ी है, अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर। फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं हम आ गए हैं माझा कुंड, देख रहे हैं जा रहे हैं, बने रहिए हमारे। फाइनली पहुँच गए माझा कुंड, दिखाते हैं आपको, आप लोग को दिखाते हैं पूरा नज़ारा। और देख सकते हैं धुआं कुंड, धुआं कुंड है यहाँ पर, देख सकते हैं धुआं कुंड है। बने रहिए हमारे एसडीआर ब्लॉग्स में। तो अभी पीछे रहा धुआं कुंड, अभी पानी इसमें कम है, नहीं तो पानी धरा रहता है तो पूरा धुआं की तरफ ही से पानी उठता रहता है, तो अभी पानी कम है तो लोग नहा रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ नहा भी नहीं पाते हैं, ये पानी ज़्यादा रह पाते हैं। देख रहे पानी कितना दूर गिरता है, इतना दूर पानी जब गिरता है तो धुआं धुआं। तो अभी हम लोग धुआं कुंड घूम के और माझा कुंड तब जा रहे हैं, तो और पानी बहुत कम है यहाँ पे। यह पुल है, पुल से तो पार कर रहे हैं हम लोग, उधर भी लोग नहा रहे हैं, देखिए कितने ज़्यादा संख्या में, बहुत भीड़ आज काफ़ी है, संडे है इसलिए भीड़ ज़्यादा लग रहा है। और इस साइड भी, इस साइड से भी लोग नहा रहे हैं, और साथ में लोग नहाने नहाने के साथ उसको लोग इंजॉय भी कर रहे हैं उनका के साथ। तो पानी अभी कम है, नहीं तो पानी ज़्यादा तो मज़ा आता नहाने में। अभी नहाने का स्पॉट खोज रहे हैं हम लोग, पिछली बार आए थे जहाँ नहा रहे थे वहाँ पर स्पॉट बहुत बढ़िया था, तभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे।
और पीछे अनीस, और पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट पैलेस हो गया इस समय यहाँ रोहतास ज़िला में। जो भी लोग आ रहे हो पिकनिक के पर्पज से आ रहे हैं, सब लोग अपना कुछ ना कुछ बना रहे हैं पहाड़ के पीछे, पहाड़ियों में घुस घुस के अंदर। अभी हम लोग नहाने की जगह खोज लिए हैं, जा रहे हैं। ऐसे ही पहाड़ और रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कमी दिख रहा है कि पानी नहीं आया। अभी बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा है, तब पर भी लोग नहा रहे हैं, इसी में लोग बर्तन धो रहे हैं, मुर्गे धो रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा नहाने में। तो जब ऊपर से पहाड़ पे जो पीछे पहाड़ से पानी गिरता है ना, तो अच्छा लगता है नहाने में, फ्रेश पानी आता है अपना। तो अभी सारा पानी पीछे देख रहे हैं आप लोग, एक जगह पानी रुका हुआ है और इसी में से लोग बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा नहाने में, मन नहीं कर नहाने का। You said